गाइस आज हमारे पास है ग्रेनेरो का J13 वायरलेस माइक्रोफोन। तो गाइस तो काफी टाइम से मैं अपना ये पुराना माइक्रोफोन यूज कर रहा था जो कि काफी पुराना हो गया था, तो फिर मैंने कहा क्यों ना एक नया माइक्रोफोन लगा लिया जाए। तो फिर आज हम लोग लेके आ चुके हैं ग्रेनेरो का J13 माइक्रोफोन वायरलेस। तो इसमें आप लोगों को दो माइक्रोफोन मिलते हैं और एक रिसीवर मिलता है, तो इसमें आप लोगों को भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलता है। सो गाइस तो फिर चलिए पहले हम लोग इसके ऊपर की पन्नी हटा लेते हैं। तो गाइस इसके ऊपर की पन्नी हटाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स आ चुका है। तो आप इसके साइड में देख सकते हैं, तो ये एंड्रॉइड वर्जन वाला हमारा माइक है और यहाँ पीछे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं। और गाइस यहाँ साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस माइक्रोफोन। तो चलिए हम इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस इसके बॉक्स के ऊपर सबसे ऊपर ही हमें मिल जाता है इसका वारंटी कार्ड। तो आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड काफी अच्छी क्वालिटी का मिलता है और काफी बढ़िया प्रिंट दे रखा है वारंटी कार्ड पर भी इन लोगों ने। और गाइस यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट आ चुका है, तो इसको हम लोग बाद में खोलेंगे, तो इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है हमारा मैनुअल। तो मैनुअल तो हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का मैनुअल मिला है इसके साथ में। तो गाइस इसके अंदर आप लोगों को एक और बॉक्स मिलता है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस इस बॉक्स को खोलने के बाद जो हमें सबसे पहली चीज मिली है वो है टाइप सी टू ऑक्स कन्वर्टर। तो गाइस ये कन्वर्टर हमें इसलिए मिला है जिससे आप लोग इसके जो माइक है उसमें आप लोगों को एक टाइप सी पोर्ट मिलेगा, तो उसमें आप लोग टाइप सी पोर्ट में लगाकर उसे ऑक्स पोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाइस ईयरफोन लगाने के बाद आप लोग लाइव अपनी आवाज सुनकर अपने टेस्ट कर सकते हैं कि कैसी आवाज आ रही है और उसको आप लोग सही कर सकते हैं। और गाइस चलिए से और खोल लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को ऐसे दो पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो ये दोनों मैं अलग रख देता हूँ। और गाइस इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसके चार्जिंग केबल मिल जाती है, तो इसकी चार्जिंग केबल में आप लोगों को दो टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं एक ही केबल में, तो ये आप लोगों की ईयरफोन चार्ज करने के लिए, तो इसको भी हम लोग साइड में कर देते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे। तो अब हम लोग इसको इसकी पन्नी में से बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें आप लोगों को फिनिश मिलता है और इस पे सामने ही इस पे ग्रेनेरो लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं आप लोग। और काफी बढ़िया फिनिशिंग मिल जाती है आप लोगों को, ये हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ मिलता है एकदम स्मूथ, तो सब बढ़िया मिलता है आपको इसमें। और नीचे इसमें आप लोगों को एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जिससे आप लोग इसे चार्ज कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को रिचार्जेबल केस मिलता है जिसको आप लोग चार्ज करके यूज कर सकते हैं। और गाइस इन ईयरफोन्स की बैटरी नॉर्मली आप लोगों की 8 आवर्स चल जाएगी, और जब आप इसको चार्जिंग केस में रख के बार बार यूज करेंगे तो ये आराम से 80 आवर्स तक आप लोगों को बैटरी बैकअप दे देगा, तो काफी बढ़िया मिलता है ये। और इसके ईयरफोन्स भी आप लोगों के डायरेक्ट इसी केस में चार्ज हो जाएंगे। तो गाइस इस केस के अंदर आप लोग देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर ये जो दो रखे हुए वो है हमारे मेन माइक्रोफोन। तो ये माइक्रोफोन है हमारे और ये हमारा रिसीवर है, तो ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ माइक्रोफोन। तो गाइस माइक्रोफोन के नीचे यहाँ पर एक पन्नी लगी हुई है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये हमने दोनों माइक्रोफोन्स के नीचे से रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक रिसीवर मिल जाता है और दोनों ही माइक्रोफोन में आप लोगों को एक ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। और यहाँ पर इसके नीचे की साइड यहाँ पर आप लोगों को एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर एक लाइट इंडिकेटर है, तो काफी बढ़िया मिल जाता है ये। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो गाइस इसको खोलने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दो माइक्रोफोन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये दो माइक्रोफोन रखे हुए हैं, इधर साइड में रिसीवर रखा हुआ है गाइस, तो ये माइक्रोफोन आप लोगों को मिल जाते हैं। तो इन माइक्रोफोन को आप कुछ इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं इसके केस से, और ये आप लोगों को मैग्नेटिक मिलते हैं, तो ये मैग्नेटिकली चार्ज भी हो जाते हैं और आप मैग्नेटिकली इस तरीके से इन्हें रख भी सकते हैं। तो गाइस तो ये मैग्नेटिकली चार्ज होते हैं, मतलब जैसे ही आप इसे केस में इसे रखेंगे तो चार्जिंग स्टार्ट कर देंगे, तो मैं अभी आपको रख के दिखाता हूँ। तो गाइस इसमें रेड लाइट जल गई होगी, इसका मतलब है इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइट जल गई है, इसका मतलब इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो गाइस इसके माइक्रोफोन पे भी आप लोगों को इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये पीछे से आप लोग पूरी इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, तो काफी बढ़िया क्वालिटी में आप लोगों को इसके माइक्रोफोन मिल जाते हैं पूरे, आप लोगों को बढ़िया प्लास्टिक फिनिश में मिलते हैं। और अंदर ग्रिल इसमें मेटल की लगी हुई है, जो अंदर इसकी ग्रिल लगी हुई है माइक्रोफोन के वो मेटल की है, तो ये आप लोगों को काफी बढ़िया मिल जाते हैं। और गाइस इन माइक्रोफोन्स में आप लोगों को 3 लेवल नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, मतलब आप लोग इसमें 3 लेवल तक नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को इसमें डायरेक्ट नॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को 3 मोड मिल जाते हैं, एक आप लोगों को मिल जाता है लो, एक आप लोगों को मिल जाता है मीडियम, और एक आप लोगों को मिल जाता है हाई। तो ये आप लोगों को 3 इसमें नॉइस रिडक्शन मोड मिल जाते हैं, तो इससे आप लोग नॉइस रिड्यूस कर सकते हैं। तो गाइस इसके रिसीवर में आप लोगों को एक और टाइप सी पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, तो ये टाइप सी पोर्ट आप लोगों को इसलिए मिलता है ताकि जब ये आप लोग फोन में लगाओ और अगर आपके फोन की बैटरी लो हो या कुछ हो, तो फिर आप लोग इसी से डायरेक्ट अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग अपना चार्जर लगा देंगे और उससे ही आप लोगों का फोन चार्ज होने लगेगा। तो गाइस तो चलिए अब इसे मैं अपने फोन से अटैच करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इस वाले माइक से साउंड सुनाता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं ये मेरे पुराने वाले माइक से आवाज आ रही है, तो अब मैं इस वाले माइक को अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को उसकी साउंड सुनाता हूँ। सो गाइस तो फिर अब मैंने अपना ग्रेनेरो वाला माइक अटैच कर दिया है, तो अब आप लोगों को जो साउंड आएगा वो आप लोगों को इसी वाले माइक से आएगा। तो गाइस ये वाला माइक मैंने अभी वही यहाँ पर लगाया है, वैसे ये आपका कॉलर में लगने वाला माइक है, लेकिन मैंने इधर इसलिए लगाया है क्योंकि पिछला वाला माइक इधर ही लगा हुआ था, तो फिर मैंने उससे कंपैरिजन करने के लिए इधर की साइड लगा दिया है।
तो गाइस इससे आप लोगों को आवाज आ रही होगी, तो ये अभी जीरो को नॉइस कैंसिलेशन में चल रहा है, तो ये आसपास की कोई भी नॉइस कैंसिल नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी आवाज खराब आ रही हो। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इससे नॉइस कैंसिलेशन करा के किस तरीके से आवाज आएगी। तो फिर यहाँ पर साइड में जो इसके एक बटन मिलता है उसको जब मैं सिंगल टाइम प्रेस करूंगा तो इसकी लाइट एक बार ब्लिंक करेगी, तो जब ये लाइट एक बार ब्लिंक करेगी तो इसका मोड चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस तो फिर ये आ चुका है लो नॉइस कैंसिलेशन वाले मोड पे। तो गाइस अब ये इधर उधर की आने वाली थोड़ी बहुत नॉइस को कैंसिल करेगा, जो भी नॉइस आ रही होगी आसपास से। तो अब ये थोड़ी बहुत नॉइस कैंसिलेशन वाले मोड पे है, तो अब मैं इसका सेकंड मोड लगाता हूँ, फिर आप लोग इसकी आवाज सुनिएगा। सो गाइस तो फिर अब ये हो चुका है मीडियम नॉइस कैंसिलेशन वाले मोड पे, मतलब ये मीडियम नॉइस कैंसिल करेगा, अब ये आसपास की थोड़ी ज्यादा आवाज कैंसिल करेगा, तो आप लोग इसकी साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं। तो अब मैं इसका फिर से मोड चेंज करता हूँ। तो गाइस ये आ चुका है इसका फाइनल मोड, थर्ड लेवल, मतलब हाईएस्ट नॉइस कैंसिलेशन। तो ये आसपास की जितनी भी सराउंडिंग की साउंड्स होंगी वो सारी ये कैंसिल कर देगा। तो आप लोग ये सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और अपने स्पीकर्स पर सुन सकते हैं कि किस तरीके की आवाज आ रही है इससे। तो आप लोग सुन सकते हैं किस तरीके की आवाज आ रही है इस माइक से। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी आवाज सही आ रही है या फिर पहले से खराब है। तो यहाँ पर थोड़े हॉर्न वगैरह की आवाज आ रही है, तो वो हो सकता है ये कैंसिल करके आप लोगों को सुना रहा हो, तो वो मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। तो गाइस इस वाले माइक में आप लोगों को 20 मीटर्स की रेंज मिल जाती है, मतलब आप लोग इससे 20 मीटर्स दूर तक भी अगर कुछ बोलेंगे तो भी इसमें आप लोगों को एकदम क्लियर आवाज आएगी। और गाइस इसमें आप लोगों को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की ट्रांसमिटिंग स्पीड मिल जाती है, मतलब ये एकदम एक्यूरेट टाइमिंग पे आप लोगों की ट्रांसमिटिंग करेगा इधर से उधर, मतलब जब मेरी लिपसिंग होगी तभी आप लोगों को आवाज आएगी उधर साइड मोबाइल पर। तो अब मैं इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ वापस, तो मैं इसको सिंगल नॉइस कैंसिलेशन पे कर देता हूँ। तो ये आवाज भी आप लोगों को इसी बाइक से आ रही है अभी। और गाइस अगर आप लोग चाहें कि आप लोगों को आवाज नहीं सुनानी है इससे, आप लोगों को इसे म्यूट कर देना है, तो आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं। तो गाइस पिछले वाले माइक में मेरे ये वाला ऑप्शन नहीं था, ना ही उसमें नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन था, लेकिन इसमें म्यूट करने का भी ऑप्शन है, मतलब आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं। तो इसके जो नीचे आप लोगों को बटन मिलता है जिससे आप लोगों ने इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया, उसी बटन की मदद से आप लोग इसे म्यूट भी कर सकते हैं। तो उस बटन पे आप लोगों को डबल क्लिक कर देना है। तो गाइस गलती से मैंने जो मुझे कहना था वो मैंने म्यूट पे बोल दिया, तो हो सकता है आप लोगों को आवाज ना आई हो, मुझे अभी पता नहीं कि म्यूट हुआ था या नहीं हुआ था। तो गाइस तो जब तक इसकी लाइट ब्लिंक होती रहेगी नॉन स्टॉप, तब तक आप लोगों को इससे आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो मैंने इसे म्यूट कर दिया था इसलिए आपको बीच में आवाज नहीं आई होगी। और गाइस इन सब चीजों के अलावा आप लोगों को इसमें एक और मोड भी मिलता है जिससे आप लोग अपने साउंड को इको भी करवा सकते हैं, जैसे अगर आप लोगों को सिंगिंग करनी है या फिर कुछ और करना है तो फिर आप लोग इसका वो मोड यूज कर सकते हैं इको के लिए। तो गाइस जैसे सिंगिंग में इको वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो चीज आप लोग इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को किसी खाली कमरे की जरूरत नहीं है इको करने के लिए, आप लोग इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आपको करना क्या है, आप लोगों को जो इसका बटन था वही वाला, उस पर आप लोगों को जल्दी जल्दी 3 times क्लिक कर देना है। तो गाइस 3 क्लिक करने के बाद अब मेरी आवाज आप लोगों को जहां तक है इको के आ रही होगी, तो अब ये आप लोग ही जान सकते हैं। तो इको के आने लगी होगी अब आप लोगों को मेरी आवाज, तो गाइस इससे आप लोग इको भी कर सकते हैं अपने साउंड को। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।